दोस्तों, आज है रविवार का दिन और हमेशा की तरह आज के दिन भी हम लोग निकले जयपुर भ्रमण के लिए। आज का दिन खास इसलिए होने वाला था क्योंकि आज एयरफोर्स की तरफ से आकाश में कलाबाजी दिखाई जाने वाली थी, जो कि जगह चूज की गई थी जल महल के ऊपर। आज हमने सोचा कि हम भी निकलते हैं और देख के आते हैं कि कलाबाजी किस तरह की कलाबाजी हो रही है। हमने अपना विमान उठाया और हम भी सभी लोग निकल पड़े जल महल की तरफ। जल महल की तरफ जब निकल रहे थे तो हम लोग निकले हवा महल के आगे से, क्योंकि हवा महल को जयपुर की आन बान शान कहा जाता है। यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सेल्फी लेता है, वीडियोस बनते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। इसके आगे के मार्केट के ऊपर, क्योंकि शाम नज़दीक थी तो देसी और विदेशी दोनों ही सैलानी हमें घूमते हुए दिखाई दिए। क्योंकि आज मौसम सुबह से खुशनुमा था, हल्की हल्की बारिश की बूंदों के बीच हम भी निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। मार्केट सजा हुआ था क्योंकि जयपुर बहुत ही फेमस है बंधेज के लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, खाने पीने के लिए फैंसी कुर्तों के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, जयपुरी रजाइयों के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, राजस्थानी मोजरी के लिए, जूतियों के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट जेम्स स्टोन के लिए। यहाँ पर विदेशियों का आना जाना पूरे साल लगा रहता है, क्योंकि अभी गर्मी कम होती जा रही है और सर्दियां दस्तक देने वाली है। गणेश चतुर्थी का आयोजन भी सर के ऊपर है, दो ही दिन बचे हैं गणेश चतुर्थी आने में, तो छुट्टियों का भी मौसम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हर आदमी का यही चॉइस रहता है कि जयपुर घूमा जाए, क्योंकि जयपुर इतना अट्रैक्टिव है कि कहीं का भी टूरिस्ट हो वो उसे अपने को देखने के लिए बुला ही लेता है। और जयपुर का पिंक सिटी मार्केट, जो कि पूरा विश्व भर में फेमस है अपनी गुलाबी नगरी के लिए, और यहाँ का मार्केट जो कि चार दीवारी के बीच का मार्केट है, चाहे वो जौहरी बाज़ार हो, चाहे वो त्रिपोलिया बाज़ार हो, छोटे चौपड़ हो, बड़ी चौपड़ हो, रामगंज चौपड़ हो, अजमेरी गेट हो, सांगनेरी गेट हो, किशनपुर बाज़ार हो, चांदपुर बाज़ार हो, ये सभी मार्केट लोगों का तांता यहाँ पर हमेशा लगा रहता है, चहल पहल। चाहे आप दिन के वक्त आओ, चाहे शाम के वक्त आओ, चाहे रात के वक्त आओ, यहाँ पर चहल पहल आपको हमेशा ही दिखाई देती है।
जयपुर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ पर हर गली हर मोहल्ले में आपको मंदिर दिखाई देंगे। और जब हम चार दीवारी के बीच में आते हैं तो हमें यहाँ पर प्राचीन मंदिरों का तांता लगा ही दिखाई देता है। हर 20 कदम पे आपको कृष्ण भगवान के, विष्णु जी के, श्री राम जी के, माता जी के और हनुमान जी के मंदिर आपको हर जगह दिखाई देंगे। और भोलेनाथ का तो यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे ताड़केश्वर जी का मंदिर कहा जाता है। तो हमने भी सोचा कि आज आपको पूरा पिंक सिटी दिखाया जाए, क्योंकि जयपुर का पिंक सिटी देखने के लिए तो जितनी बार वीडियो बनाओ उतना ही कम है। तो अभी ये जो मार्केट आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये है त्रिपोलिया बाज़ार का मार्केट। अब यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है चौड़ा रास्ता की तरफ, तो ये हम एंटर हो चुके हैं चौड़ा रास्ता के अंदर, जहाँ पर भोले बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है। जी हाँ गाइस, ताड़केश्वर मंदिर जिसकी लीला अपरंपार है, हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड में ताड़केश्वर जी का मंदिर है, जहाँ पर भोले बाबा की लीला हमेशा चलती रहती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर का सबसे फेवरेट, फेमस और सबसे पॉपुलर बाज़ार, जी हाँ गाइस, बापू बाज़ार के अंदर। तो यहाँ हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए, काफ़ी दिन से जो है वो शॉपिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम सूट लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और सूट का अभी छटाई चल रही है। तो जब तक सूट की छटाई होती है, तो हमने सोचा कि आपको एक लुक जो है उस बरामदे का दिया जाए, जहाँ पर बापू बाज़ार में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं। और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सूट, बंधेज, खाने पीने का सामान, सजावट का सामान, हैंडीक्राफ्ट का सामान, पपेट्स, ब्लॉक प्रिंटेड शर्ट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और तमाम चीज़ें जिसके लिए बापू बाज़ार काफ़ी फेमस है। तो रिमझिम बारिश के बीच में हमने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर निकल के हम भी बारिश में भीगे, लेकिन बारिश तेज़ हो गई थी तो हमें मजबूरन अंदर वापस आना पड़ा इस गलियारे के अंदर, जहां पर शॉपिंग का मार्केट जो है वो लगा हुआ हमें दिखाई दिया। रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानें, जूतियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, और इन सब के बीच में सुंदर सुंदर चेहरे हमें दिखाई दिए। सूट्स की रेंज यहाँ पर 500 से लेकर 4000 तक के हमने सूट देखे। जितना अमाउंट कम था उसकी क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जहाँ पे रेट्स 4000 के आसपास थी तो नेचुरल है कि वहाँ पर कपड़े की क्वालिटी आपको बहुत ही उम्दा मिलने वाली है। फुटपाथ के ऊपर भी लोगों ने मार्केट लगा रखा था, जहाँ पर छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट के सामान, फैशन के, कान के ईयररिंग्स, इस तरह का मार्केट जो है वो यहाँ पर फुटपाथ पे लगा हुआ था। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मार्केट की गहराइयों में हम लोग उतरते जा रहे थे। जी हाँ गाइस, जैसे ही बापू बाज़ार के अंदर गोलछा मार्केट से आप एंटर होते हो, तो मार्केट वहाँ से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर जाते जाते हो, स्पेशली लिंक रोड की तरफ, तो वहाँ पे आपको मार्केट का डेप्थ में जो है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको स्कर्ट, शर्ट्स, कुर्तियाँ, कुर्ते,
लेगिंग्स, कॉस्मेटिक के सामान। तो बापू बाजार 95% लेडीज़ का मार्केट है, 5% उन लोगों का मार्केट है जो फीमेल को शॉपिंग कराने वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो 95% कटना आपको पड़ता है और 5% जो है जो शर्ट्स हो गया है, उसके अलावा अंडरगारमेंट्स, वो शॉप्स जो है वो यहाँ पे आप ले सकते हो, वो जेंट्स के लिए है। तो फाइनली हमें मिला 500 रुपये में हाफ शर्ट। और जी हाँ गाइस, आप देखिए प्रिंट एक से एक लाजवाब ब्लॉक प्रिंट्स जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दिए। और हमने चूज़ किए 4 शर्ट, जिसके अंदर 2 शर्ट पे हमें हाथी की प्रिंटेड वाली शर्ट जो है पसंद आई। तो ये फिर से हम लोग आ चुके हैं लिंक रोड के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ है लिंक रोड में आपका हार्दिक स्वागत है, पधारो मारा देश। और यहाँ पर शॉप्स पे आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ दिखेगी दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर पपेट, जिसे कठपुतलियाँ भी कहा जाता है, ये भाई विदेशी सैलानियों को कठपुतलियाँ बेच रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट काफ़ी है। और ये देखिए ईयर रिंग्स की दुकानें, जहाँ पर सुंदर सुंदर महिलाएं, कन्याएं, माताएं, बहनें यहाँ पर आकर कानों के कुंडल, कानों की बालियाँ खरीद सकती है। और ये देखिए फुटपाथ पे ही मार्केट है, जहाँ पर आपको डेकोरेटिव आइटम भी दिखाई देगा, रंग बिरंगे हाथी, रंग बिरंगे चेहरे। और ये देखिए ये आप गेट पे लगा सकते हैं सजावटी सामान, बहुत खूबसूरत लगता है ऐसा सजावटी सामान जब आप गेट पे लगाते हैं। और ये सामने आपको जो मार्केट दिखाई दे रहा है, इसे हम तो बोलते हैं चटोकड़ी रांडो का चौराया, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं पानी पतासे। और लेडीज़ जो है वो यहाँ पर पानी पतासों का काफ़ी एंजॉयमेंट लेती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी चाट, टिकिया, डोसे और उसके अलावा भी काफ़ी सारा खाने पीने का सामान, क्योंकि पहले सबसे पहले यही मार्केट था जहाँ पर खाने पीने की वैरायटी मिलती थी। तो हमें लगी प्यास, तो हमने सोचा कि प्यास को जूस से मिटाया जाए, तो हमने पैक करा लिया है हमारे लिए पाइनएप्पल जूस। और पाइनएप्पल जूस गाइस बड़ा ही टेस्टी फील होता है। और उसी के जस्ट बगल में हमें देखी पानी पतासे की दुकान, तो पानी पतासे भी हमने खाए। ये देखिए गाइस इयररिंग्स, ये इस टाइप के इयररिंग्स जो आर्टिफिशियल आपको इस मार्केट में मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड बाय।